नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। फाइलेरिया को लेकर अरवल क्षेत्र की सहिया एवं सेविकाओं को दिया गया प्रशिक्षण। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल सभागार में मंगलवार को फाइलेरिया को लेकर MDA कार्यक्रम को लेकर अरवल क्षेत्र की सहिया एवं सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पीरामल स्वास्थ्य संस्था के प्रतिनिधि तथा अनुमंडल अस्पताल के मलेरिया निरीक्षक रामाधार साव द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायक सुखराम उराव भी शामिल हुए, जहां उन्होंने सेविका तथा साहिया को कहा कि फाइलेरिया गंभीर बीमारी है, इसका बचाव दवा से ही किया जा सकता है, इसलिए आगामी 10 से 25 अगस्त तक चलने MDA कार्यक्रम के तहत सभी लोगों को दवा खिलाएं। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचना है तो सभी लोगों को दवा जरूर खाना चाहिए। हमें दवा खाना है, दवा खाने से ही फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने कहा कि चक्रधरपुर प्रखंड में 2,10,000 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जानी है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सेविका तथा सहिया को कहा कि आप लोग घर घर जाकर लोगों को अपनी निगरानी में दवा खिलाएं, किसी को दवा नहीं देना है। दवा देने से बहुत सारे लोग इसका सेवन नहीं कर पाते हैं, जिससे गाँव में अगर एक व्यक्ति को भी फाइलेरिया है तो पूरा गाँव इसकी जद में आ जाएगा, इसलिए सभी लोगों को अपनी देख रेख में दवा खिलाएं, किसी को दवा ना दें। दवा लेने से बहुत सारे लोग इसका सेवन नहीं कर पाते हैं, जिससे गांव में ही अगर एक व्यक्ति को फाइलेरिया है तो पूरा गांव इसकी जद में आ जाएगा, इसलिए सभी लोगों को अपनी देखरेख में दवा खिलाएं, उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार कर अनुमंडल कार्यालय को दें। मौके पर झामुमो जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य, अमर बोधरा, फिरू हेमरम समेत काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। जो इसमें नई दवा आई है आइवरमेक्टिन, वो आप जरूर से जरूर डोज को, मतलब जो चार्ट मिलेगा आपको हाइट के अंदर, ज्यादा समय नहीं, 2 से 3 साल के बीच में हमको फाइलेरिया कार्यक्रम जो है फाइलेरिया मुक्त अपने प्रखंड को बनाना है, अपने जिला को बनाना है। तो इसमें दवा सबको खिलानी है, अपना घर घर जाकर जरूर से करेंगे, फाइलेरिया रोग से संक्रमित हो सकता है, सबको खिलाना है, सबका हाउस मार्किंग करना है, एक भी बच्चे को नहीं छोड़ना है, आँख में दवा नहीं देनी, सबको खिलानी है। खिलाने के बाद ही आप अपना हाउस मार्किंग में टिक मारिएगा, ठीक। और कभी भी